الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया जब से दरे नबी का मेहमान हो गया बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया जब से दरे नबी का मेहमान हो गया पढ़ने लगा दुरूद मैं जब से हुजूर पर पढ़ने लगा दुरूद मैं जब से हुजूर पर हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया जब से दरे नबी का मेहमान हो गया और शान अहले बैत ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने ऐसे पढ़ा कुरान को
आले रसूल ने एहसान मंद आपका, ये कुरान हो गया एहसान मंद आपका, ये जहान हो गया जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। दुनिया में बेमिसाल है वो आशिके नबी, दुनिया में बेमिसाल है वो आशिके नबी, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। बख्शीश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें रमज़ान अता फरमाया है। रमज़ान मुबारक कई चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाता है, जहाँ अपनी इबादत की तरफ दिलाता है और इसी तरह हुकूकुल्लाह और हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की तरफ ही तवज्जो करता है कि लोगों का फ़िक्र किया जाए, गम गुसारी किया जाए। कि वो रोज़ा इफ्तार करा दे तो रोज़ा रखने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता है, कितना बड़ा अजीम है। चाहे खजूर से करवा दे, इसका मतलब है लोगों की साथ जाना और लोगों के रोज़े खुलवाना, लोगों को खाने खिलाना और लोगों के हमदर्दी करना, ये भी एक पूरा पूरा ईमान का हिस्सा है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, लोगों के लिहाज से तुम सबसे बेहतर वो है जो इंसानियत का फ़ायदा हो। तो रमज़ान मुबारक का महीना है भाई, जैसे हम इबादत करते हैं इसलिए अपने मातहत बच्चों का, गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का भी ख्याल किया जाए। एक तो पहली बात यह है कि जिस तरह हम लोग ज़कात देते हैं, ज़कात को तहकीक करके अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में और अपने जो जानने वाले जो गरीब हैं, इज़्ज़त नफ्स की वजह से मांगते नहीं हैं, उन तक खुद माल पहुँचाना, मांगने वाले की शक्ल ना बनाना बल्कि उनके पास माल पहुँचाना, ये हमारा पहला हक है। तो अगर ये पहुँचाएँगे तो ये उसका मतलब है हम सखी भी हैं और अल्लाह के यहाँ महबूब और मकबूल भी हैं। फिर ये है कि रमज़ान में रोज़ों का फितराना है, हमारी आदत ये है कि आखिरी दिनों में देते हैं, लोग उस वक्त रोज़ा रख चुके होते हैं और लोगों की ईद करीब होती है, ईद के कपड़े भी ले चुके होते हैं। लिहाजा शुरू से हर नेकी को शुरू से किया जाए, इब्तदा के अंदर अपना जो फितराना है वो भी दिया जा सकता है, ज़कात भी दी जा सकती है। ये आदमी, ये तो उनकी ज़रूरत है, लेकिन इससे ऊपर जो लोग खर्च करेंगे वो अल्लाह के यहाँ सखी है। जितना हम खुद खाते हैं, पड़ोस के अंदर वहाँ खजूरें भेज दी जाएँ या खुफिया तौर पर आटा भेज दिया जाए या खाने पीने की चीज़ें भेज दी जाएँ, इस तरह है कि किसी को पता भी ना चले। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनका हाल आपको पता है, कितने घर जो थे उनकी वजह से पल रहे थे। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आदत शरीफा थी कि वो खड़ियों का काम करते थे, उनके पास तो हर यतीम का और मिस्कीनों की लिस्ट होती थी। उनके पास एक आदमी होता था, उन्हें रखा हुआ था मुंशी, वो सबको नाम अमाल उन कापी में नाम थे और इसके साथ साथ उनके कपड़ों का नाप जो है उसके पास था। जब ईद आती तो ईद के दिन हर यतीम, बेवा और गरीब के घर सुबह सुबह के वक्त ना उनके घर कपड़े पहुंच जाते और खाने का सामान पहुंच जाता। तो लोग कहते हैं अबू बकर ने हमारी ईद कर दी। तो ये रमज़ान मुबारक आ रहा है, ईद भी आएगी आगे, तो रमज़ान मुबारक में जिस तरह इबादत की कसरत है, कुरान मजीद की कसरत है, इसलिए अपने हाथों से खर्च करने की कसरत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा चाहे अपने आप को जहन्नम से बचाए चाहे एक खजूर के टुकड़े से बचाओ,
تو ہر ایک کو مال خرچ کرنے کا حکم ہے، یتیموں کو بھی، غریبوں کو بھی، امیروں کو بھی، فقیروں کو بھی، وہ بھی خرچ کریں، لیکن جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے پڑوس میں، ماتحتوں میں، علاقے کے اندر رمضان المبارک میں خصوصاً اجر چونکہ بڑھا دیا جاتا ہے، اپنی زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، فطرانہ اور اس کے علاوہ ہدیے کا مال، اپنے ان گھروں میں افطاری کے لیے مال بچانا، ان کے کپڑے دلانے کے لیے پیسے دینا، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ جب ہم یہ کریں گے، ان کی دعائیں ملیں گی، تو سارا سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ اللہ پاک سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاں عبادات کرتے ہیں وہ اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، اور غریبوں پہ، پڑوسیوں پہ، جو آس پاس آپ کو جس کو جانتے ہیں، ہدیہ سمجھ کر دے دو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے نام سے چڑھتے ہیں، تو بھائی ان کو نام زکوٰۃ لینا ضروری نہیں، کہنا ضروری نہیں ہے، میری نیت ہو اور اس کو ہدیہ بھی کہہ دیا جائے تب بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اس لیے جو خیر کے کام ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے رزق کا انتظام کیا جائے، کپڑوں کا انتظام کیا جائے، اور ان کے ساتھ بھلائی کیا جائے۔ انشاءاللہ اس کام کے اندر ہم کرتے رہیں گے تو لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، جب دعائیں ساتھ ہوں گی ہمارے گھر بھی صحیح ہو جائیں گے، چین سکون آئے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، پورا ملک پاکستان کے اندر محبت کی لہر دوڑ جائے گی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے، تو غریبوں کو جب موقع ملتا ہے بڑوں کے دامن میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ ان کا آپس میں بہت یہی تفریق ہے، جب لوگ، امیر لوگ غریبوں پہ مال خرچ کریں اور غریب لوگ بڑے بڑوں کے ساتھ انشاءاللہ محبت سے پیش آئیں گے، اس طرح ہمارا ملک پاکستان اور وطن عزیز جو ہے صاف ستھرا ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، پوری دنیا میں روب ہو جائے، چیزوں سے روب نہیں ہوتا، محبت سے، دین پہ چلنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے، یہ اسلام کا روب ہے۔ جب آپس میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ اسلام کا روب بھی ہوگا اور پورے ملک پاکستان کے اندر امن سکون بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو